हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके क्वेश्चंस आ रखे थे Day 27 वाली वीडियो में एंड मैंने उन्हें आंसर करने का ट्राई किया है। तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा एंड जो क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं कर पाया मैं उसे अगली वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि यार कॉलेज में काफ़ी चीज़ें हो रही थी, लाइक टेस्ट हो रहे थे एंड क्लासेस चल रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसके लिए। तो सॉरी फॉर द डिले, बट हियर इट इज़। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर। पहले तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो माय नेम इज़ सौरभ यादव, आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है मेरे से, हाउ मच डिड यू स्कोर इन नीट। तो मेरे नीट में 621 मार्क्स थे गाइज एंड ये वही नीट है जो 17 जुलाई 2022 को हुआ था। अब चल पड़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है वो आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था, आपने कितने साल में नीट निकाला। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये अटैम्प्ट 12वीं के साथ था, मतलब इट वाज अलोंग विथ 12th। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है भाई आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे। तो यार मेरे 10th में 95.4% थे एंड 12th में 96.2% थे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि भैया आपके कॉलेज का नाम क्या है। तो यार मेरे कॉलेज का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस मेरे बारे में। अब चलते वीडियो के दूसरे पार्ट। आपके क्वेश्चंस पर एंड पहला क्वेश्चन है कि इसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी मेरे कॉलेज की। तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 647 गई थी एंड मोस्ट प्रोबेबली 2023 में भी सेम ही कट ऑफ रहने वाली, ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो लाइक लिटरली हर एक वीडियो के उसमें रहता है कॉमेंट बॉक्स में कि आप हॉस्टल में क्यों नहीं रहते। तो यार हॉस्टल में रहने के लिए ना एक स्पेसिफिक डिस्टेंस वाइज हॉस्टल अलॉटमेंट होती है। लाइक अगर देखो मेरा घर है अगर 20 किलोमीटर दूर कॉलेज से और एक लड़के का घर 100 किलोमीटर दूर है और उसने फॉर्म में यही एड्रेस भरा है, उसके पास सारा प्रूफ है, तो उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी मेरे कंपैरिजन में। तो जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलती है हॉस्टल के। तो मेरा इतना डिस्टेंस था नहीं एंड इसलिए मुझे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ। एंड तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, लव योर ब्लॉग्स, क्या आपकी व्हाइट कोट सेरेमनी हुई। तो यार अभी हमारी व्हाइट कोट सेरेमनी नहीं हुई है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। एंड अभी हुई नहीं हमारी व्हाइट कोट सेरेमनी एंड मोस्ट प्रोबेबली थोड़े टाइम तक नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपकी कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो यार मेरे कॉलेज की फ़ीस अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैगिंग हुई है आपके साथ। तो नहीं यार डे स्कॉलर्स की रैगिंग नहीं होती एंड आई डाउट कि हॉस्टलर्स की भी नहीं होती होगी क्योंकि दिल्ली मैंने जितना सुना है कि दिल्ली में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें रैगिंग बहुत मिनिमम होती है एंड होती भी नहीं, लाइक ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया लाइफ में कोई सुंदर कन्या है क्या। तो यार इसका मैं क्या ही आंसर दूँ, इस क्वेश्चन को करते हैं स्किप एंड चलते अपने थर्ड पार्ट पर अबाउट माई नीट प्रिपरेशन, ओके। तो बात है थर्ड पार्ट पर, बट थर्ड पार्ट पे आने से पहले मेरे पास दो क्वेश्चन थे। उनमें से एक था कि मैं किसके हॉस्टल रूम में जाता हूँ जब मुझे हॉस्टल रूम मिला नहीं है। तो यार मेरा एक दोस्त है, मैं उसके हॉस्टल रूम में चला जाता हूँ। तो लाइक ब्रेक में अगर हमें वहाँ पर चिल कर रहा है, आराम कर रहा हूँ, तो हम वहीं पर चले जाते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन था कि स्मॉल हाइट के स्टूडेंट्स की बुलिंग होती है नहीं। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता कि स्मॉल हाइट के स्टूडेंट्स की बुलिंग हो रही है एंड कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहते हैं कॉलेज में। तो चल पड़ते हैं क्वेश्चन पर, भैया आपने अपने डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर किए। फ़ोन से पढ़ाई करनी होती है पर मैं कुछ और करने लग जाता हूँ। तो यार काफ़ी नॉर्मल चीज़ है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बट आपको ट्राई करना है आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो मोर और एवर आप ये करो कि अपने आपके पास कोई स्मार्टफोन तो है ही, तो उसमें सेटिंग्स में जाके या कोई ऐप इंस्टॉल करो जिसमें टाइमर हो हर एक ऐप के लिए। तो उस टाइमर को आप सेट कर दो कि आपको इतनी देर कुछ लाइक सोशल मीडिया चलाना है, इतनी देर आपको कुछ और फ़ोन पे बात करनी है, तो आप टाइमर सेट कर दो और जैसे वो टाइमर ख़त्म हो जाएगा ना तो लाइक आप उस ऐप को खोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो कि आपने कहाँ से नीट की प्रिपरेशन की है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यार मैंने नीट की प्रिपरेशन आकाश जनकपुरी से की थी जो दिल्ली में ही है एंड वो लिया तो मैंने ऑफलाइन कोर्स था, बट कोविड की वजह से मेरी पूरी 11th और आधी 12th ऑफलाइन नहीं हो पाई, वो पूरी ऑनलाइन हुई थी एंड लास्ट में जो टेस्ट दिए थे वो मैंने ऑफलाइन दिए थे। तो दूसरा क्वेश्चन है भाई तुम सब कैसे मैनेज कर लेते हो, तुमने अपना चैनल कब ओपन किया था नीट के बाद या नीट से पहले, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लेते हो, मज़ा आता है क्या MBBS में। तो यार मैंने अपने यूट्यूब चैनल नीट के बाद ही ऑफ कोर्स शुरू किया था क्योंकि नीट के प्रिपरेशन में कभी कहाँ ही टाइम रहता है आपके पास आपका लाइक कोई पैशन फॉलो करने का या कुछ और करने का। तो ये मैंने नीट के बाद शुरू किया था एंड
मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कोई उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है नहीं। एंड मज़ा आता है क्या MBBS में भाई? मज़ा तो बहुत आता है आपके पास। तो यार बायोलॉजी की NCERT तो आप अच्छी तरह याद कर लो, अच्छी तरह उसे अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि वही आएगी नीट में। नीट में बायो में NCERT के अलावा कुछ आता ही नहीं है। एक दो क्वेश्चंस होंगे बट आपका मेन फोकस तो आपके 80-89 क्वेश्चंस जो NCERT से उन पे होना चाहिए। भैया 11th फुल वेस्ट हो गई, और 12th से कैसे तैयारी करके एक साल में नीट क्लियर करें? तो यार इसके लिए मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाऊँगा इस पूरी चीज़ को, क्योंकि इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, एंड वो मैं कुछ दिनों में बना दूंगा आपको सब कुछ समझा के कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ कि मैंने 11th मेरी काफ़ी वेस्ट हुई थी, एंड मैंने मेन प्रिपरेशन 12th से की थी, तो मैं आपको अच्छी तरह गाइड भी कर पाऊँगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था लास्ट के 3 महीने में। तो यार मैंने इस 1-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एंड अपने टाइम टेबल के ऊपर, तो उसका मैं लिंक कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एंड लाइक मैं लास्ट के 3 महीने के लिए भी एक वीडियो डाल दूंगा कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि लास्ट के 3 महीने और लास्ट के 6 महीने में काफ़ी डिफरेंस होता है, एंड वो लास्ट के 3 महीने काफ़ी क्रूशियल होते हैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए लास्ट के 3 महीने। देखो यार मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा कि PCMB अगर आप हैंडल कर सकते हो तभी लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को देखा है लाइक PCMB ले तो लेते हैं बट एट द एंड वो हैंडल होती नहीं है, तो उन्हें 12वीं में छोड़नी पड़ती है मैथ्स या बायो अपने हिसाब से। तो लाइक मेरी एडवाइस यही होगी कि आप एक ही लो, PCB लो या PCM लो। अगर नीट ही करना है आपको, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, तो भाई आप PCB ही लो। एंड अगर आप PCMB लेते हो तो आपका मैथ्स करने के लिए जो टाइम होगा वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से ही डिडक्ट होगा, और शायद ये हाई कॉज रहता है, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इस चीज़ की कि आपको आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट सफ़र करेगा मैथ्स की वजह से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ यही होता है एंड जो PCMB लेते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। मैं आपको एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ कि मेरा मानना ये है, एंड आपका जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं नीट में फेल हो जाऊँ तो मैं मैथ्स एज अ बैकअप प्लान यूज़ कर सकता हूँ नहीं। देखो यार आपको डॉक्टर बनना है तो आप बैकअप प्लान लेना ज़रूरी है, बट इतना नहीं कि आप सोच रहे हो आप फेल कर जाओगे नीट एंड आप एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। तो यार इतना आप आगे का मत सोचें, इतना नेगेटिव मत सोचो, एंड अच्छी तरह पढ़ाई करो यार, सिलेक्शन हो जाएगा, इससे कोई ये सब फालतू की बातें मत सोचो, ठीक है? तो यार यही थे आपके सारे क्वेश्चंस जो मैंने आंसर कर दिए। कुछ क्वेश्चंस ओवरलैप हो रहे थे तो मैंने उनको एक ही बार में आंसर कर दिया कि वो रिपीट ना हो। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप हसलिंग एंड कीप स्टार्टिंग, गुड बाय।